हाय फ्रेंड्स, आज हम मलाई में से घी बनाना सीखेंगे। इसको 10 मिनट तक शेक करना है। 10 मिनट के बाद सी द टेक्सचर। 5 मिनट 10 मिनट ये आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इसके बाद अभी पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके शेक करते हुए। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स पहले सिर्फ मलाई को विस्क करना है, उसके बाद पानी ऐड करते करते थोड़ा थोड़ा विस्क करना है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स यू फाइंड आउट उसका, जिससे घी बनता है। ऐसे दोनों को सेपरेट कर देना है। एक बाजू दूध बच जाएगा और एक बाजू आपका मस्का बच जाएगा। मस्के में वापस थोड़ा सा पानी ऐड करो, विस्क करो और वो पानी दूध में मिला लो। ये हो गया आपका होममेड वाइट बटर। ये सब प्रोसेस होने में एटलीस्ट 10 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट्स। अभी नाव इसको हम गैस सिम पे करके छोड़ देंगे हिलाते हुए, और इसको भी गैस फास्ट करके दूध को भी रख देंगे, और उसमें जब ऊपर आएगा बाद में हम नींबू के 4-5 चम्मच डालेंगे नींबू पानी के, तो इसमें से पनीर छूटेगा। वो भी अराउंड 100-150 ग्राम छूटेगा पनीर, और इससे आपका 1/2 किलो से ऊपर घी निकलेगा। विद इन फाइव मिनट्स देखो पनीर इज रेडी। इसको छलनी से छान लेके एकदम टाइट कपड़े में बांध देंगे, तो जो टाइट कपड़े में हम बांध देंगे वैसा ही शेप आ जाएगा पनीर का। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में।